Assalamualaikum everyone, welcome to astrology. This is Meghra Kawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. मैं किधर गया? He's my beautiful husband, my handsome husband. अरे परवेज. और आप सोच रहे होंगे कि आज हमने इकट्ठे इंट्रो स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही जल्दी में नींद में अरीब साहब ने मुझे पिक किया था. मेरा बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉग ऑन करने का. नींद में अरीब ने मुझे, रात की मेरी तबीयत इतनी खराब थी, सुबह उठी तो मुझे फ्लू आवा, जुकाम. आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि ठंड वंड लग चुकी है. सुबह 10 बजे इसको मैंने आज उठाया है क्योंकि आज हमने जाना था नादरा के ऑफिस सारी डॉक्यूमेंटेशन करने, क्योंकि आगे हमने करना है ट्रैवल अपने हनीमून के लिए. जगह डिसाइड नहीं हुई लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो पूरे करने हैं ना. तो निकाह पहले करने का मकसद भी यही था कि हम लोगों की ना चीजें सारी हो जाती, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे बन जाते ताकि हम टाइम से निकल जाए. तो आज अभी हम वहाँ से नादरा के ऑफिस से होके आए हैं, चीजें वगैरह आधी हो गई है, बस आधी रह गई है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी. और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं, एज यू नो गाइज, के हम लोगों ने आपको लास्ट एक व्लॉग था जिसमें आपको एक दिखाया था, हम फर्नीचर पसंद करने के लिए गए थे और फिर हमारी मेजरमेंट्स हुई उस व्लॉग में. और उसके बाद अब जो है वो हम सोफे का कपड़ा पसंद करने के लिए आए हैं. मैं सोफे का उन्होंने कहा कि आप आके, क्योंकि मैंने हर चीज, मुझे शौक है कि मैं कस्टमाइज बनवाऊँ, कुछ चीजें नई भी ऑर्डर करनी है मुझे, तो मैंने कहा कि आज जाके मैं आपको दिखाती हूँ. लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि ना आपने किस जगह से लिया, हमें भी बताएं. तो आज मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी, सब कुछ बताऊंगी. अभी फिलहाल आज हमने बड़े काम करने हैं, आज सुबह के हम निकले हुए हैं, अभी जाते हैं, वो सारे काम भी करते हैं. ठीक है, ज्वेलरी भी देखनी है अरीब मेरी. अभी डन, अभी बहुत काम है और कुछ खत्म नहीं. नादरा में ही 4 घंटे लग जाते हैं. अभी चलें अरीब साहब, आपका अपना काम बंद कर दें, शिफिका का काम कर दें. चले जी, अब हम बस निकलते हैं, फिर आपको दिखाते लास्ट को. एक मिनट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक मेरा, तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. इतना सड़ा हुआ बेल आइकन. तो जी, हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं और अब हम सेलेक्ट करने लगे हैं अपनी चॉइस का सोफा, जो फैब्रिक है बेसिकली जिस पे वो बनना है. हमारे पास कुछ ये क्या है, तो पूरी बुक है, ये बुक है. ऐसी बुक्स अगर स्कूल में होती तो क्या बात ही है ना. यहाँ पे हम वो उसका फैब्रिक सेलेक्ट करेंगे कि अच्छा, इनमें से जो सेलेक्ट करेंगे वो कलर होगा, वही कलर होगा, वही कॉम्बिनेशन होगा. और इसलिए देखें वही टेक्सचर होगा, वही टेक्सचर. अब ये लेदर में पड़े हुए हैं, कुछ ये वेलवेट में पड़े हुए हैं, कुछ ये थोड़े से ये देखें, ये जो उसको बोलते हैं, ये जो क्या पॉलिएस्टर काइंड ऑफ जो होती है ना. तो अच्छा कौन सा होता है? अच्छा जो हमारे घर पे लगेगा वो अच्छा ही है. ट्रस्ट. अच्छा मैं ना एक्चुअली ग्रे कलर सोच रही हूँ. अच्छा और भी है, ये देखो, ये देखें. अच्छा ये टेक्सचर देखें. अरे आपको कौन सा अच्छा लगा इसमें? जो तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे वो अच्छा लगेगा. मुझे मेरी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे वो अच्छा लगेगा. ये मुझे कलर बड़ा पसंद आया, इसको जरा इस पे मुंह रख के चेक करना कि आपको चुभेगा तो नहीं जब आप सोएंगे. क्या मतलब मैं इसमें सोऊंगा? तो जाहिर है रीप, जब लड़के आपको बाहर भेजा करूंगी कमरे में, तो कमरे में तो मैं सोऊंगी, आप इस पे सोएंगे. फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट है. ये मत समझना कि वो कमरा आपका होगा, कमरा मेरा होगा. ये ज्यादा ही सॉफ्ट है रीप को, फिर इतनी सुकून की नींद आनी है कि इसने वापस कमरे में ही नहीं आना. इसलिए ये कपड़ा नहीं कर रहे हो. 2 hours later. चले जी गाइज, हम लोगों ने कपड़ा शपड़ा सारा सिलेक्ट कर लिया है. हमारे सोफा पे क्या कपड़ा होगा, हमारे बेड का जो है वो कलर क्या होगा, अभी नहीं बताओगी. खैर हम लोगों ने डिसाइड कर, दो घंटे लगा के सब कुछ सिलेक्ट हुआ है. हर चीज उन्होंने बताया कि ये कर लें. इकड़ा मैडम को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था कि इस तरह कॉम्बिनेशन ये चाहिए मुझे, कॉम्बिनेशन ये चाहिए. हाँ. लेकिन एंड पे उन्होंने बताया जी ये आपके लिए सही रहेगा और हाँ. ये नहीं सही रहेगा. अरे मैंने अभी कर्टन्स के भी पर्दे देखने. वैसे मेरी बात सुने, एक्सक्यूज मी, आप कर्टन्स वगैरह का भी करते हैं? और ये पेंटिंग इस तरह से सारी मुझे, क्योंकि सेल वगैरह नहीं लगाते हैं हम लोग सेल लगा रहे हैं जो कि 4 दिसंबर से है, और 4 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हमारी सेल है. कितनी? अप टू 40% सेल. मतलब अभी जो हमने आपको पिछला ऑर्डर दिया था, जो अभी हम सामान बुक कर रहे हैं, वो उस पे भी 40% मिलेगा? उस पे 40%. ये क्या बात है, हमारी तो शादी, हम तो उन दिनों आ ही नहीं सकते. हम आपको इस जो भी अभी खरीदेंगे हम उस पे आपको 40%. नहीं ये क्या बात, जब हमने बुक कराया, मैं तो अभी सिर्फ, मैं अभी पता लगा यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है 40% off. हमारी बारी में हमें तो नहीं मिला, लेकिन बहुत से लोग मुझसे पूछे थे कि आपने जहाँ से फर्नीचर लिया हमें उस जगह का नाम बता दे. तो शेड्यू बाय शेख, हमारी शादी के दिनों में सेल लगा दी, जब हम बुकिंग कर रहे थे तब सेल नहीं थी. तब जिन्होंने अभी तक फर्नीचर नहीं खरीदा वो आके यहाँ पे खरीद ले, क्योंकि बड़ी अच्छी कलेक्शन है. और मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके इनका पेज भी विजिट करें, अपनी मर्जी के डिजाइन भी बनवाए. अब मुझे कर्टन दिखाएं, मुझे कर्टन का तो जेन से निकल गया. हाँ, वो 40% ऑफ पे चल गया. 40% ऑफ
यहीं से कर्टन्स लॉक करते हैं ठीक है। तो हम ये शैंडलियर ले सकते हैं। हाँ, अब मुझे कितना लास्ट में हमने पसंद नहीं किया था क्योंकि हमने कहा सारी चीजें पूरी हो गई है, पूरी हो गई है, डिस्काउंट मिल रहा था, कुछ लेके जाते हैं। नहीं नहीं, एक वो लेते हैं एक उस तरह से। अरे ये मुझे पेंटिंग भी बहुत प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत। अरे भी हमारे लिविंग पे अच्छी लगी। चले जी, हम लोगों ने कर लिया सारी चीजें सिलेक्ट, पेंटिंग्स भी कर ली, डेकोरेशन आइटम्स भी कर ली, टेबल्स भी, चेयर्स भी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। मेरे सब्सक्राइबर्स जब यहाँ पे आए तो आप लोगों ने उनको अच्छे से प्रॉपर डिस्काउंट जो आपको 40% है वो उनको लास्ट भी दे रहे हैं ठीक है। हमारी तरफ से आपको तोहफा, तो जिसने फर्नीचर नहीं लिया वो आपको 40% ऑफ ले लिया। आप चलते हैं हम यहाँ से, देख लें भाई सारा एड्रेस भी इधर लिखा है, नंबर्स भी यहाँ मेंशन है, टाइमिंग भी यहाँ लिखी है, डिजाइन भी और ऑफ लगा हुआ शेड्यूल का शेप भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अरीब चले अब। चलो जी चलो जी। फाइनली हम लोग हो गए थे वहाँ से फ्री, अब हम लोग जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करने। क्या करने? सबसे इम्पोर्टेंट काम। यस, क्या काम? खाना। लगी है अरीब साहब आज फोन पे भला क्या देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। खोले मेरी अभी साथ से बात हुई है, मैं वो दिखाता हूँ, फोन दिखाता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं, साथ से मेरी बात हुई है तो वो भी इधर ही है, तो अभी उसको हम ज्वाइन करेंगे खाना खाने के लिए, तो फिर खाना खाने चलते ठीक है। ठीक है, और आज हमने एक और चीज बांट रहे हैं। यस यस, वो तो दिखाई नहीं लोगों यार, कब से आप लोग देख रहे होंगे कि ये शॉपर है, इसके अंदर गाइस कपड़े हैं। मेहंदी पे सारे लड़कों ने कपड़े पहने हैं लड़के वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से स्वाद है, लड़के वालों की तरफ से। अच्छा देखो भाई मेरा लड़के वालों की तरफ, अभी ये मैंने लड़ना है जाके उसको, वो चाहे कहे कि मैं तो सूट के लिए लड़के वाला हूं। उनको हमने देना है सूट, वो भी दे देंगे, फिर खाना खाना भी खाते हैं, खाना खाना भी खाते। आज हम ये शॉपर लेके निकले हुए हैं, सारे लड़के वालों में कपड़े बांट रहे हैं। आगे पीछे हमेशा अरीब क्या देख रहा होता है, मैं आज अभी मैंने एक रील अपलोड किया, उस रील का जो गाना है ना वो अरीब ने सिलेक्ट किया था। मांग के देख लो, ये गाना मैंने सेलेक्ट किया था। यस पता है, बताया अभी मैंने, मैं वो देख रहा हूं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है गाइस, इंस्टा पे रील पोस्ट हुई है, जाके कमेंट करें कि बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। मैंने पहले कोई और गाना लगाया था उसके बारे में, तो वाइब नहीं करा, वाइब नहीं, ये गाने से सही वाइब आ रही थी। ठीक है, सुन लिया हम सफर भी आपको चुन लिया ठीक है, खुश हैं अब आप? गुड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, जब हम लोग आ चुके हैं खाना खाने, सब खाने में मसरूफ है, मैं किसी को तंग नहीं कर रही, बट हम खाना खा लें फिर आते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ से निकल गए थे, डक्की भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया, वो देखे सामने उनकी गाड़ी जा रही है, और उन्होंने जो बताया, पता लगा कि अरूब साथ नहीं आई है ठीक है, और उन्होंने बताया कि रूप की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसको बुखार है, गला ख़राब है, फ्लू आ गया। तो हमने सोचा कि हम दोनों जब हमने कपड़े देने के लिए जाना है तो हम साथ में चलते हैं, रूप की खबर ले लेते हैं, साथ में हम जो है वो कुर्ते भी दे देंगे, और डिज़ाइन भी अगर हमने कुछ सजेस्ट करना हुआ दोनों लड़कियों ने कि बंदों को कपड़े कैसे बनाए करनी है, बेसिकली लड़के वाले की तरफ से। हाँ जी, बेसिकली वो एक लड़ाई है, वो ज़रा मैं जाके पूछूंगी ना डक्की भाई से कि आप लड़के वालों की तरफ से कपड़े आप ले लें, लेकिन कह ये दें कि मैं लड़की वालों की तरफ से पास। चले अब हम चलते हैं उनकी तरफ, लेट्स गो। चलें जी, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमारे सामने हैं ठीक हुआ आप बताएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, क्या हाल है, क्या कहाँ तक पहुँची आपकी शादी की तैयारियाँ भाई? मैंने एक गिला करना है आपसे। क्या हुआ मतलब से तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? तैयारियाँ ये नहीं नहीं तैयारियाँ मैं क्या बता रही हूँ कि तैयारियाँ मेरी कहाँ तक पहुँची हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ मेरे इवेंट में मेरी तैयारियाँ करवाए, मेरे फंक्शन पे आए, ये मेरी एहतजाज है। तो आएंगे ना आपके फंक्शन में इसके साथ? ये देखो किसकी तरफ से आएंगे ये बताएं मुझे। यार मैं एक टांग आपकी तरफ रख लेंगे, एक टांग की तरफ रख लेंगे। ये बहुत चलाक लड़का है। रूप की कैसी तबीयत है? रूप यार उसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी कल ही। हाँ। ना तो अभी उसने मेडिसिन वगैरह ली है, सोई होगी, वैसे उठा दूं? नहीं 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 नहीं, उठाने की जरूरत है, हम तो बस हालचाल पूछ रहे थे। हमने कहा था मैं वो निकाल के लाता हूं, अब दिखा देते हैं लोगों को कुर्ता। लेकिन आप मेरी बात सुने, मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ, ये सूट इससे ले लें, आना आपने मेरी तरफ से। अरीब देख लो तो कह रही है आप इसे सूट तो ले लें, लेकिन आना आपने मेरी तरफ से। सूट चला गया, आपने इसको प्यारा सा सजाना, आप जिसकी मर्जी तरफ से आए आप हमारी तरफ से ही है, एक ही बात। हाँ, ये देखो ये कैसा अच्छा बन रहा है में, कैसा अच्छा बन रहा है। देखो आप जिसकी मर्जी नहीं, मैं नहीं, आप कहे मैं इकरा कवल की तरफ से, इसकी तरफ से, मैं एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा की तरफ से आऊंगा, इसकी गाड़ी के पीछे डोल डोल हूं मैं ही हूंगा। नहीं नहीं, आप डोल वाला साथ लेके एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा की तरफ से मैं गया, एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा की तरफ से लफड़ा हो गया कि किसकी तरफ जाना है। हां हम निकलते हैं, आप जाओ हम निकलते हैं भाई, इसका इसको सिलाई करवानी है मेरे पास टाइम। हां
हम आए पूछने के लिए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मिल नहीं पाए, बट हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार और दुआएं और दुआई मिलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। एक मिनट आप मुझे पहले बताओ, नहीं मुझे चाहिए सियासतदान, पाकिस्तान में सियासतदान नहीं होने चाहिए, हस्बैंड्स होने चाहिए। क्यों? इतने सियासी बयान आपके उधर जाके इतने अच्छे बन रहे हैं कि वो आए भी आपकी तरफ से। देखो जब ऐसी बात करोगे ना अगला खुद कहेगा यार मैं तो अब इसकी तरफ से ही आऊंगा। ये लड़ाइयां चलती रहनी कौन किसकी तरफ से हमारे इवेंट में आ जाएगी, तो सिर्फ एक मजाक था, एक ऐसी एंजॉयमेंट थी। अभी निकलते घर के लिए, है दरवाजा खुला है, वाह वाह वाह। ये देखो हमें यहाँ घर आए हैं, तो ये हमें सी ऑफ कह रही हूँ। सी ऑफ क्या, मैं वेलकम करने आई हूँ। उसको पता, फातिमा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इन लड़कों वालों ने सबने, ये देखो पीछे थैला देख रही हो, ये सारे एक जैसे मैचिंग कुर्ते रखे हैं। अच्छा, सब में बांटते थे मैचिंग कुर्ते से। एक बात याद आई, मैंने ना अभी वो एक टिकटॉक देख रही थी, उस पे लिखा हुआ था कि जीजा और सालियों का डांस। ऐसे डांस का डी भी नहीं होना। मैं कह रही हूं हम कर लेते हैं ना, चार सालियां और एक आप। हाँ सिखा देना, मैं कर लूंगा, सिखा देना, छुपा के वो सरप्राइज होगा। डन ये क्या, ये इनकी डन, लो जी मेरे लिए सरप्राइज है, मेरे सामने डिस्कशन परफॉर्मेंस सरप्राइज है ना। अच्छा अच्छा, तो हूँ तू मेरे ना वो मैचिंग कर रहे हैं सब, मैं ये बता रही हूँ तुम्हें। क्या था, चुन्नी मेरी रंग दे लला रही है, लग रही है उसको। अच्छा चलो, उसको सर्दी लग रही है, तुम्हारे लिए खाने के लिए लाई। ओके रीब, ओके चले जी गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर, और घर पे तो मेरे, ये क्या कर रही हो तुम? मुंह धोकर आई हूँ, वो साफ कर रही हूँ कि सोने से पहले आपको मुंह धोना चाहिए। अच्छा हाँ जी, बंदे की स्किन फ्रेश रहती है जैसे मेरी है। और वैसे भी अब कुछ टाइम रह गया शादी में, तो स्किन केयर अच्छी कर रही हूँ, मेरी भी स्किन केयर कर दो कोई अच्छी सी, मैं पूरा दिन ख्वार होके आई। आपको तो शादी से पहले हल्दी लगानी चाहिए। लगाऊंगी, टमाटर ये मैं मोटी होगी ना आजकल, मोटी लग रही। हाँ क्यों, क्या किया? मम्मा बनाती है, मम्मा आप सिर्फ इसको सब कुछ देती है, मुझे क्यों नहीं देती हो यार? अब शादी होने वाली है ना, तो मुझे ज्यादा देने की जरूरत है। आपको हमें देना चाहिए ताकि आपको घरदारी आए, फिर बच्चों को घर को लेना। चलो मेरे घरदारी पे चढ़ी हो जाए। मम्मा मुझे वैसे साग भी याद आएगा, मैं बताती हूँ, मुझे साग भी याद आएगा, हमें याद आएंगे, साग रोज खिलाती थी हमने। तो आप जब साग बनाएंगे मुझे बता देना, मैं रोज खाने आ जाऊंगी। नहीं मैं तुझे बुझवा दिया करूंगी। अभी भी कह रही है कि तू ना घर आई, मैं तेन खिला देंगी। वाह ये लड़का रुखसत है तो लड़की को रुखसत होना पड़ता है, ऐसा लग जा। लेकिन देखो जैसे अब लड़का है, उसकी लाइफ भी इतनी चेंज होती है। मैंने साग पकाना है ना, तो 8 दिन कब का किसे भेज देना कि उन्हें 8 दिन साग खा। पहले मैं तंग आती थी, फिर रीत तंग आ जाएगी। 8 दिन हो गए, साग गर्म कर करके खिलाई जा रही हूँ। मुझे तेरी मम्मी को और कोई काम नहीं है साग पकाने के अलावा। इकरा के लिए नाश्ता भी मैंने पराठा साग लेके जाना। मम्मा ना करो सीरियसली, कच्ची लस्सी ये तेली सरप्राइज नहीं मेरे लिए, मेरे हाँ मेरा नाश्ता आप लोगों ने लेके आना। यहाँ पे क्या पता हम एक्सपेक्टेशन से ले। आप मुझे पता है इन लोगों ने जाके हलवा पूरी लेनी है और ना, 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 हमने घर बनाना है। अभी सब रीजन पूरी कर लेना, अपने कपड़े शपड़े हो गए आपके? मैं अपने घर की तकरीबन सारी शॉपिंग कर रही हूँ, अपने पर्दे भी ले लिए, मतलब फाइनल कर लिए हैं, सोफों का भी ऑर्डर दे आई हूँ, मतलब जो कपड़ा सेलेक्ट करना था, टेबलें कंसोल चंसोल, बाकी डेकोरेशन पीसेस भी मैंने उनको कहा कि मैं आके पिक कर लूँगी। मेरा जो काम था वो फर्नीचर वाला वो हो गया पूरा, बर्तन भी हम लोगों ने ले लिए हुए हैं। अक्सर मैं रात को लेट आती हूँ तो मेरी घर पे सब सो रहे होते हैं, आज माशाल्लाह राबिया और अम्मा जागते हुए मिल गए थे, थोड़ी बातचीत हो गई है, और इधर मेरी एक अदर बहन बैठी हुई है, वो भी जाग रही है हल्की फुल्की आँच पे। क्या कर रही हो तुम? ऐसे काम। रात का ना इस वक्त 3:30 हो रहा है और ये बैठ के काम कर रही है, शादी की तैयारियाँ फ़ोन पे करती है, सारे लुक्स लिख रही है अपने। दुल्हन ने अभी तक कुछ नहीं लिखा, दुल्हन की बहनें सब तैयारियाँ कर रही हैं।